फार्मा वारियर चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जिट एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो उसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने का एंड क्या कितने तारीख में एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ सिलेबस भी देखेंगे एंड किस तरह का पेपर आएगा, कितना टाइम रहेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के साथ साथ। तो फार्मा चैनल में आप नहीं आई हो तो जरूर फार्मा का सब्सक्राइब बटन क्लिक करके साथ ही साथ बेल आइकन का क्लिक करके फार्मा का मेंबर होना नहीं भूले, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको रेगुलर बेसिस में जॉब अपडेट, रेगुलर से नोटिफिकेशन अपडेट, साथ ही साथ करियर गाइडेंस। तो सब कुछ एक साथ अवेल करने के लिए जरूर फार्म हाउस को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आ जाते हैं वीडियो का मेन पार्ट पर, जहाँ पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के तरफ से जारी किया गया है एप्लीकेशन इन्वाइट फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम DPEE एग्जाम अक्टूबर 2024, जिसका एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 24 अगस्त से एंड इसका डेट चलेगा 13 सितंबर तक एंड 3rd, 4th and 5th अक्टूबर होने वाला है आपका एग्जाम एंड जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 4th नवंबर के अंदर आपका पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन मिला कहाँ से एंड इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स देखने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस का ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा NATBOARD.edu.in। उसके बाद ही यहाँ पर दाहिने तरफ पब्लिक नोटिस का सेक्शन में आने के बाद ऊपर में देख पाएंगे एप्लीकेशन इनवाइट फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE एग्जाम। तो यहाँ पर पूरा नोटिस को देखने के लिए एंड पूरा जो बुलेट है उसको डाउनलोड करने के लिए वो नोटिस में जाने के बाद कुछ यहाँ पर क्लिक है टू बुलेट करके दिखा गया है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन जो इन्फॉर्मेशन बुलेट है उसमें आप आ जाएंगे एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में फर्स्ट बात कर लेंगे। तो यहाँ पर 24 अगस्त से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है एंड यहाँ पर चलने वाला है 13 सितंबर तक। और यहाँ पर जो आपका एडिट का जो ऑप्शन आने वाला है वो 16 से 18 सितंबर में आपका एडिट का ऑप्शन आने वाला है एंड फाइनल जो एडिट करने का ऑप्शन आएगा वो 24 सितंबर से एंड 25 सितंबर के अंदर आप पूरा जो फाइनल कुछ भी एडिट करना होगा तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है वो 30 सितंबर के अंदर आने वाला है एंड आपका जो यहाँ पर एग्जाम होने वाला है वो 3rd अक्टूबर, 4th अक्टूबर एंड 5th अक्टूबर तीनों दिन होने वाला है। कब कब होने वाला है, कौन सा शिफ्ट में होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट निकलने वाला है वो 4th नवंबर के अंदर निकलने वाला है। तो आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आपका क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है, आप कब से कब कितने टाइम के अंदर आपको फ़ोन करना पड़ेगा, तो 9:30 से 6 बजे के अंदर आपको यहाँ पर फ़ोन करना होगा एंड 3rd, 4th, 5th अक्टूबर जो कि एग्जाम का डेट है उस तारीख को आप फोन कर सकते हैं 7 AM से 7 PM तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर आपके साथ क्या कुछ शेयर करने वाले वो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट करके दिया गया है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, एग्जामिनेशन का फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ द DPEE एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड का डिटेल्स, सेंटर ऑफ द DPEE एग्जामिनेशन, इंस्ट्रक्शन ऑफ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉशन नोटिस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, रिजल्ट, बहुत सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो मेन पार्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है उस पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट। तो फर्स्टली देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि करंट शेड्यूल डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन का दिया गया है वो आपको अच्छे से चेकआउट कर लेना है, जो कि 3rd, 4th, 5th अप्रैल एंड 7th सितंबर में बताया गया था। तो इसमें जो एग्जाम होने वाला है क्या कुछ तरह से होने वाला है सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से चेकआउट करना है। जैसे कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन बुलेट केयरफुली एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन गिवन इन इंफॉर्मेशन बुलेट एज वेल एज DPEE इंडेक्स पेज। मतलब यहाँ पर जो जो पॉइंट आपको दिया गया है वो अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए एंड कितने तारीख एग्जाम होने वाला है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कि यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एग्जामिनेशन फीस का सेक्शन पर, जहाँ पर आपको 5000+ GST मतलब 5900 आपको पे करना पड़ेगा एग्जिट एग्जामिनेशन देने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है एंड कोई भी कास्ट का यहाँ पर छूट नहीं दिया गया है। हर एक कैंडिडेट को 5900 करके पे करना पड़ेगा एक एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए।
तो ये तो गई आपका एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात। अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या कुछ बताया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 कैन रजिस्टर फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। मतलब जो जो कॉलेज PCI अप्रूव है उस कॉलेज के अंदर ही आप फार्मेसी किए हो डिफॉर्म किए हो तभी आप एलिजिबल होंगे। एंड नेक्स्ट जो बात बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द सेट डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 31 जुलाई 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते 31 जुलाई से पहले पहले आप फार्मेसी पास कर चुके होंगे तभी आप इस एग्जिट एग्जामिनेशन जो फर्स्ट होने वाला है तब इसमें आप एलिजिबल रहेंगे एग्जिट एग्जाम के बैच में बचने के लिए। और यहाँ पर आपको बात बता देते हैं एक बात, जो जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, जो जो फार्मासिस्ट को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है बट फार्मेसी पास कर चुके होंगे सिर्फ उसी कैंडिडेट को इस बार एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे इस 2024 का एग्जिट एग्जामिनेशन में बटने के लिए। तो यहाँ पर शायद आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि जो जो कैंडिडेट अभी पास हो रहा है मतलब अभी चल रहा है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिला तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे? नहीं, वो कैंडिडेट के लिए फिर से एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है अप्रैल मार्च के अंदर, तब अब उसमें एलिजिबल रहेंगे। बट इस टाइम पर जो कट ऑफ डेट दिया गया है 31 जुलाई के पहले पहले जो जो कैंडिडेट पास कर चुके होंगे बट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है सिर्फ उसी कैंडिडेट को इस टाइम पर आपको एग्जिट एग्जामिनेशन में बटना है। नहीं तो आप इस एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं बटेंगे, आप इस एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं पास करेंगे तो आपको जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर से जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप रजिस्टर्ड फार्मेसी नहीं कहलाएंगे, आपका जो फार्मेसी डिग्री है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जिट एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है इस एंड बहुत अच्छे से पास करना है, मिनिमम 50% मार्क्स लेके पास करना है सिर्फ इसी वजह से। एंड इसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन करने के लिए इस एग्जिट एग्जामिनेशन चालू कर रहा है PCI का तरफ से। तो चलिए मेन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें आ जाते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहने वाला, मतलब किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है वो 3 मेजर पेपर में होने वाला है जहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। एंड यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज जो नॉलेज है वो उसको चेक करने के लिए इस एग्जामिनेशन को करवाया जा रहा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का तरफ से। तो यहाँ पर जो एजुकेशन रेगुलेशन चालू हुआ था ER 2020 में सिर्फ उसी का बेसिस में आपको इस एग्जाम होने वाला है जहाँ पर 150 मल्टीपल क्वेश्चन रहने वाला है एंड पर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन रहने वाला है, इस ऑप्शन को चूज करके आपको आंसर करना है। एंड यहाँ पर देख सकते जो आपका जो एग्जाम का पेपर होने वाला है वो सिर्फ इंग्लिश पेपर में ही होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है, तो सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस वाले पेपर को देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर टाइप रहने वाले वो तीनों पेपर में रहने वाला है, 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। एंड कंडक्ट करने वाला है कॉम्पिटिटिव डेज में 3rd, 4th, and 5th October 2024 में। ईच पेपर विल बी कॉम्प्राइजिंग ऑफ द 150 क्वेश्चन एंड 180 मिनट्स टाइम, मतलब आपको पर 50 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। एंड यहाँ पर टोटल जो टाइमिंग रहने वाला है वो 3 आवर्स का टाइमिंग रहने वाला है 150 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। यहाँ पर बता भी दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका शिफ्टिंग जो रहने वाला है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, मॉर्निंग का जो शिफ्टिंग रहने वाला 7 AM से स्टार्ट होने वाला है एंड जो दोपहर का शिफ्टिंग रहने वाला 1 PM से स्टार्ट होने वाला है। ये रही आपका रिपोर्टिंग टाइम। यहाँ पर जो क्लोजिंग टाइम हो रहा है 8:30 तक आपका क्लोजिंग टाइम हो जाएगा और यहाँ पर 2:30 को क्लोजिंग टाइम होने वाला है। आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वह 9 बजे से दोपहर को 12 बजे तक चलने वाला है। एंड यहाँ पर दोपहर का जो शिफ्ट है वो 3 बजे से स्टार्ट होके शाम को 6 बजे तक चलने वाला है। ये दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। एंड यहाँ पर जो आपका डेट क्लोजिंग टाइम एंड रिपोर्टिंग टाइम भी आप देख चुके होंगे, उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है एंड आप पूरा जो बात है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जो मेजर पार्ट बता दिया गया है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात बता दिया गया है, यहाँ पर टाइम बाउंडेड आपका क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब आपका एक सेक्शन करके दिया जाएगा जैसे कि पेपर 1 में आपको
50 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो 50 50 50 करके तीनों सेक्शन में भाग करके दिया जाएगा एंड पांच सेक्शन में आपको टाइम मार्च किया जाएगा 1 आवर्स करके। मतलब आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा 1 आवर्स, उसके बाद ही नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो ओपन होगा। तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड करके दिया गया है, एक टाइम क्लोज होने के बाद ही दूसरा टाइम ओपन होगा एंड दूसरा सेक्शन ओपन होगा, तभी आप पूरा एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे 3 आवर्स का एग्जाम। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है वो 50% रहने वाला है एंड यहाँ पर जो सबसे मेजर पार्ट रहने वाला है आपको हर एक पेपर में पास करना है, वो भी 50 मार्क्स से लेके एंड सिंगल अटेम्प्ट में पास करना है। कोई भी पेपर में आप फेल हो जाएंगे तो पूरा एग्जिट एग्जामिनेशन ही फेल हो जाएगा, बस इसीलिए आपको सिंगल अटेम्प्ट में हर एक पेपर को पास करना है, वो भी 50 मार्क्स लेके। और यहाँ पर जो आपको पास होने पर जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो उस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लेके ही आपको जाना पड़ेगा आपका लोकल जो फार्मेसी काउंसिल रहेगा, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहेगा उसके पास, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सक्सेसफुली आप विड्रॉ कर पाएंगे आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। तो चलिए एक बार ओवरव्यू करके देख लेते हैं क्या कुछ प्रोसीड्यूर वाला है पूरा प्रोसेस में। तो जैसे कि आपको पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फीस को पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे तो उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में प्रॉपरली टाइमिंग में आपको एंटर करना है, उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग होगा, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर टेस्ट एंड फेस आईडी कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड एग्जामिनेशन का टाइम एंड होने पर एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद आप घर आ सकते हैं एंड उसके बाद हम देखने जा रहे हैं एडमिट कार्ड एंड यहाँ पर जो टेस्ट डे प्रोसीड्योर क्या रहने वाला है। जैसे कि आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो बाय द पोस्ट और ईमेल के थ्रू नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको एसएमएस जाएगा और ईमेल जाएगा जो आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी लिंक के मार्फत आपको डाउनलोड करना है। इसीलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि फार्म हाउस इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो लाएगा जब एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा सेक्शन पर उसके टाइम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आएगा उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपका एक फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा जो कि रिसेंट साइज का फ़ोटो होगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डाले होंगे, उसी टाइप का फ़ोटो आपको यहाँ पर डालना होगा। और जो फोटो यहाँ पर अटैच करेंगे वो 75% पार्ट पूरा होना चाहिए जो कि यहाँ पर स्पेस दिया जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो फोटो अटैच करेंगे वो कलर फोटो होना चाहिए एंड उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए एंड जो फोटो का जो टीनेजर रहेगा मतलब वो फोटो 3 मंथ का पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट साइज का फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना है। इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको अच्छे से चेकआउट करना है एंड उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन को अच्छे से फिल आउट करना है। एंड यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस टाइम पर आपका जो एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे वो आपको कलर फोटोग्राफ में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो बारकोड रहने वाला है उस बारकोड को स्कैन करके आपका एग्जाम सेंटर में एंट्री होगा। तो यहाँ पर पूरा मेंशन करके दिया गया है आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो कलर में प्रिंट आउट लेना है एंड अच्छे से प्रिंट आउट होना है, जो कोई भी पार्ट ब्लर ना हो इसको आपको ध्यान में रखते हुए एडमिट कार्ड को लेके जाना है। अभी बात करते हैं एडमिट कार्ड के साथ क्या कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो एडमिट कार्ड के साथ आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा एंड जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी कुछ लेके एंटर नहीं कर सकते, कोई भी खाने पीने का चीज़ भी एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए सब कुछ आपको छोड़ के जाना पड़ेगा एंड वो भी यहाँ पर अच्छे से मेंशन करके दिया गया है। अभी हम चेकआउट करने वाला है सिटीज ऑफ द एग्जाम का सेंटर के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। जैसे कि हम लोग बिलोंग करते हैं ईस्ट जोन से, तो ईस्ट जोन से जो जो सेंटर आने वाला है वो एक बार चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पर आपका सिटी का भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 140 सेंटर रहने वाला है एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है ईस्ट जोन में यहाँ पर कौन सा आता है एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कल्याणी आया है, यहाँ से कोलकाता आया है, इसके साथ सिलीगुड़ी आया है, ये तीनों सेंटर आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल जाएगा जो कि ईस्ट जोन में अंदर बिलोंग करता है। तो आप जब एग्जाम सेंटर को चूज़ करेंगे तो इस तीनों सेंटर के अंदर आप चूज कर सकते हैं एंड पूरा डिटेल्स जल्दी आने वाला है फार्मा चैनल में, कैसे आप इसमें डिटेल्स में अप्लाई करने वाला है उसका ऊपर डिटेल्स वीडियो जल्दी लाने वाला है फार्मर्स। तो इसीलिए आपको फार्मा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है एंड इसका ऊपर और क्या कुछ चाहिए होगा आपको सब कुछ डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना होगा सब कुछ डिटेल्स में आपको दिखाने वाले हैं फार्मा का चैनल पर।
चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 4th November 2024 में, तो उस टाइम पर आपका सिर्फ एग्ज़ाम पास रहेगा कि फेल होगा, सिर्फ उसी बात यहाँ पर दौड़ा जाएगा, कोई भी ग्रेडिंग मार्क करके नहीं दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर हम देखने वाला है यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जिट एग्जामिनेशन 2024 में। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 74 नंबर पेज पर, एंड वहाँ से आपको पूरा सिलेबस दिखाने वाला है। तो आप भी इस तरीके से पूरा डिटेल्स को देखना चाहते हैं एंड इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर फार्म हाउस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स, एंड यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक्स, एंड यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी से क्वेश्चन आने वाला है 2024 एग्जिट एग्जामिनेशन में। तो इसका डिटेल्स में क्या कुछ यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है उसको चेकआउट करने के लिए आप जरूर फार्मास का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को डायरेक्टली अवेल करने के लिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, पेपर वन में क्या कुछ रहने वाला है, पेपर टू में क्या कुछ रहने वाला है, पेपर थ्री में क्या कुछ रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पेपर वन में सब्जेक्ट रहने वाला फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। जहाँ पर फार्मास्यूटिक्स में आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में 45 का क्वेश्चन, फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में 40 क्वेश्चन एंड 35 क्वेश्चन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सब कुछ मिलाकर 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर वन पर आने वाला है। पेपर टू में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर 50 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी पर 50 क्वेश्चन एंड फार्माकोथेरापेटिक्स पर 50 क्वेश्चन आने वाला है, जो कि पेपर टू में आने वाला है 150 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड पेपर थ्री, लास्ट पेपर थ्री में आने वाला फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के ऊपर आने वाला है 40 मार्क्स का क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसिस के ऊपर आने वाला 35 का क्वेश्चन एंड सोशल फार्मेसी के ऊपर आने वाला है 35 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल सब कुछ मिलाकर 150 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 150 टोटल आपका एग्जाम जो होने वाला है 450 मार्क्स का क्वेश्चन में होने वाला है, एंड इसमें आपको 50% मार्क्स पाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, जो कि होता है 225 आपको ओवरऑल पाना है सब में क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम आपको 225 पाना है पासिंग मार्क्स लेने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर रहेगा एंड जो आपका फोटो रहेगा वो किस तरह का यहाँ पर डालना है वो भी यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, जो आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका प्रिपरेशन के लिए, तो आप एग्जिट एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, अच्छा गाइडेंस पाना चाहते हैं एंड आपका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मावर्स का एग्जिट प्रिपरेशन गाइड क्लास, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा 871977568, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड पूरा डिटेल्स जान सकते हैं गाइडेंस के बारे में। आशा करते हैं आपका सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन देख के आपका हेल्प करने में सक्षम हुआ हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, फार्मा टेक में जॉब अपडेट, फार्मा टेक नोटिफिकेशन अपडेट एंड साथ ही साथ कैरियर गाइडेंस पाने के लिए फार्मावर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, इस एग्जिट एग्जामिनेशन में कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए आप जरूर फार्म हाउस चैनल में बने रहिए। तो आज के लिए इतना था कि मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑल ऑलवेज ऑल टाइम विद फार्मावर्स। फार्मावर्स के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। और आप कौन सा टॉपिक में कोई वीडियो पाना चाहते हैं, एग्जिट एग्जाम के बारे में क्या कुछ क्वेश्चन रहेगा, जरूर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।